डिस्क्लेमर यही है कि इस वीडियो का कोई डिस्क्लेमर नहीं है, ये वीडियो शुगल मेले के लिए बनाई जा रही है, तो इसे शुगल मेले के लिए देखो। और इस वीडियो के एंड पर मीम्स रिव्यू भी है, तो वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। बिल्कुल सूखा आटा है। अच्छा। उसको पूरा यूं आपने उसके ऊपर दोनों साइड अच्छा। आपने स्प्रिंकल कर दिया, साथ आपने सॉल्ट भी नमक करना है। ये नमक के साथ सॉल्ट भी डाल दिया। पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। के साथ सॉल्ट भी डाल दिया। आज हम बात करेंगे मानो की, आयशा उर्फ मानो। यार मैं ना जब भी किसी नमूने पर वीडियो बनाता हूँ ना, तो यही सोचकर वीडियो बनाता हूँ कि अब इससे बड़ी तो कोई आइटम नहीं आ सकती मार्केट में। लेकिन हर दो हफ्ते बाद एक नई आइटम आई होती है मार्केट में। अब सीन ये है कि ये सदके की बकरी अपनी एक दोस्त की शादी पर नाचती है और उसकी वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो जाती है। टिकटॉक पर तो हर कोई वायरल हुआ पड़ा है भाई, जिनको OLX पर वायरल होना चाहिए वो भी टिकटॉक पर वायरल हो रहे हैं। अब जैसे इसका डांस वायरल हुआ, तो ठरकी हजरात डांस देखने के बाद इसके इश्क में डूबने के लिए तैयार हो गए और फिर अचानक लोगों ने इसे बोलता सुन लिया। ये तो मेरा दोस्त अबू बकर खड़ा है, मैं कैसे फेंकूं इस पर? ये समस्या है। हाँ बस ठीक हो गया, तू नहीं बोलना। नहीं नहीं नहीं, बस तू नहीं बोलना। नहीं बोलना, नहीं यार, नहीं बस चुप यार, नहीं बोलना। अगर मेरा यकीन जीतना चाहते हो तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ओ पे अजय हुसन, वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुसन देता है तो नजाकत आ ही जाती है। इसकी दफा नजाकत आ ही जाता है। नजाकत हान, देखो तुम्हारा दोस्त तुम पे तेजाब फेंक। आवाज सुन लो, लगता चुई दे डंडा बजा। मैं एक मीम देख रहा था कि आधे पाकिस्तान का क्रश इस वक्त ये है। लानत है भाई उनके मियार पर जिनका क्रश ये है। उन्होंने क्रश हो सकती है जेड़े पहले खुसरियां दे शौकीन सी। बाकी चीजें तो बाद की बात है, इसे देख कर तो बाल तक ना खड़ा हो। तू समझा, इस जैसी घर आकर कहे ना कि मनु बाहर किसी ने छेड़िया, तो घर वाले कह रहे होते हैं कि रहने दे, एड़े भी बुरे दिन नहीं आए किसी दे, एड़ा एक क्रश। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं जिस गाने पे डांस करने लगी थी उसने बोला इस पे तुम नहीं करो। हाँ। तो मैं बताती हूँ तुम उस पे करो। अब ये वो है जिसके लिए पूरा मोहल्ला जान देने के लिए तैयार है, वो भी थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी थोड़ी करके जान देना। तू समझा। अब जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो पता चला कि ये बीबी हार्ट टचिंग वीडियो भी बनाती है, तो आओ देखते हैं फिर। ये तो मेरा दोस्त अबू बकर खड़ा है, मैं कैसे फेंकूं इस पर? ये समस्या है। अगर मेरा यकीन जीतना चाहते हो तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। A few moments later. खैर है, आज मैं से काम क्यों रहा है? देखो तुम्हारा दोस्त तुम पे तेजाब फेंक रहा है। लाला शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या हरकत कर रहा था? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का अपने दोस्त पे तेजाब फेंक रहा है। इस जैसियों को तो घर वालों ने रखे इसीलिए होता है कि चलो मोहल्ले से सालन मांग कर ले आएगी। इसे छोड़ो, हिंदी में इसकी बात करते हैं। ओ वीरे, तेरी ऐसी केड़ी मजबूरी सी जेड़ा तनु एदे नाल वीडियो बनानी पै रही है? डॉक्टर साहब, ये लड़का अपने दोस्त पे तेजाब फेंक रहा है। ओ देओ यार, एदा जो भी बनदा आटा चावल जो भी बनदा देओ यार इनू। अब मैं ना इसकी डांस वाली वीडियो आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो। देख ली, अब ये वाली वीडियो देखो इसकी। मतलब इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए भाई? बाल, सर के बाल, सर के बालों की बात कर रहा हूँ यार। हाँ देख लो, नजर आ रहे हैं कि नहीं? शायद इस शेयर में फॉलोअर्स लेना चाह रहा है। फिर इसने भी इंटरव्यूज में कहना है कि मैं मेहनत करके आई हूँ। हाँ यार, इतने से इतना करने में भी तो मेहनत होती है, लेकिन इनकी अपनी नहीं, किसी और की। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। हमारे माशरे में एक कम्युनिटी ऐसी आ गई है जो सस्ता लिबरल बनने के चक्कर में अपनी शादियों पर अपनी बहन बेटियों को नचवा रहे होती हैं। पहले लोग बाहरों बुलाते थे, आजकल घर की गल घर ही रखी है। मतलब यार आप खुद सोचो कि आप, आपका दोस्त आपको कह रहा है कि यार शिदेव क्या डांस कर दिए तेरी निकी। यार कसम से बंदा मर जाता है, लेकिन इन्हों शर्म ही नहीं आती। तो ये सस्ता लिबरल बनने के चक्कर में ना पड़ो वीरे, इन लिबरल होना नहीं बल्कि बगैरत होना कवीर है। ओ वो कासिया, ए की आइटम यार, निके बच्चे दा तकिया हुंदा ई। ओ शीदे बाज आ जा बेटे, बदतमीजी नहीं करनी। ओ नहीं यार, वेख ते सही यार, कसमे पैर दा अंगूठा हुंदा ई यार, कसमे वेख ते सही, एनू वेख के ते चढ़िया नशा लै जा। ए किथू आवाम दा क्रश होगी भरावा? यार शीदे मैं तेनू कह रहा, बाज आ जा, ना कर बदतमीजी नहीं करनी, अगली बुरा फील कर जाएगी यार। ओ यार हालत वेखदी यार, लगदा पार्टी जरा विच अंगूठा बाहर आया। ओ यार फिर बकवास, ओही बकवास यार, तेनू मैं कह रहा चुप कर जा। ओ यार वकासिया, ओ ते ठीक है पर इहदी हालत वेख यार। मैं की डाक्टर हां जो इहदी हालत वेखी जावां? जा वड़ काम कर अपना यार, तेनू कह रहे हैं ना बदतमीजी कर, अगली बुरा फील कर जाएगी यार। और खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती।
अगर हया ना हो तो। आओ मैं ना आपको इसकी हया दिखाता हूँ। बस 2 मिनट इन्हां दी हया रहिंदी है। अब जैसे इसकी वीडियो वायरल हुई तो निदा यासर ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए अपने शो में इसे बुला लिया। शो वाले भी इस तरह के आइटम्स को अपने शो में बुला लेते हैं कि चलो यार और क्या, एक टाइम का खाने ही डालना पड़ेगा, डाल देंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ देना भी पिया तो आटे की एक बोरी देनी पड़ेगी। मतलब कहती नहीं मैं अकेले नहीं करूंगी, इसको डांस नहीं आता उसको साथ लेके चलूंगी कॉन्फिडेंस के लिए। मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज। माशाल्लाह की भी वो जहाज तो निकली सी या स्टेज बड़ा जंगल विच सी, जड़ा बड़ा कम कीता सु स्टेज ते जाके नाच के, मतलब समझ तो आया ना माशाल्लाह की ओदे मुर्शिदा आया सी भी नाच। अच्छा सूरत तो बहुत हसीन डांस था ये। चुप कर पे कुत्ते। ठीक है फैमिली जैसा, फैमिली जैसा। ठीक है पहली बात ये कि सुकून से था, फ्री। ठीक है समझ गया। एंजॉयिंग, कोई बदतमीजी, कोई समझ गया। बस ये हुतिया पे करवा लो इनसे, खुशी की इंतहा चेक करो इस बंदे की। और लंडे के दलाल ये मजे तुझे तब भी आ रहे हैं कि वो किसी और की बेटी नाच रही है। ऊपर से ये खुसरों का सरदार कहता है कि फैमिली डांस था। इस हिसाब न तो मनु तू किसी अच्छी फैमिली दा नहीं लगता जिसको ये फैमिली डांस लग रहा है। अबे मेलन मी निकाल कर, अगर तू ये डांस अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकता है ना तो बेटा यहाँ तो आपकी फैमिली बहु एडवांस है या बगैरत है। गल वैसे इको ही भरावा, एडवांस तो बगैरत इको ही गल है। मतलब एक हद तक एडवांस बनना ठीक होता है लेकिन लोग बहुत ज्यादा एडवांस बनने के चक्कर में बगैरत ही बनते जा रहे हैं। इस जैसे ही होते हैं जो गैरत बनने से ज्यादा जरूरतमंद बनना पसंद करती हैं। इसने जो कहा ना कि ये डांस फैमिली डांस है तो इससे मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ। साहब होया कि वो एक लड़की की शादी होती है ना तो उसका शोहर उसे पहली रात समझाता है कि घर में ना अब्बा हजूर हैं और वो बड़े असूलों के पाबंद हैं, वो मतलब के ना शर्मो हया को पसंद करने वाले हैं। बाकी जो मर्जी हो जाए तुमने मेरे अब्बा के सामने नंगे सर नहीं जाना, मतलब कुछ भी हो जाए सर नंगा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, तो तुमने एहतियात करनी इस चीज की। अब असल में ना लड़की बहु एडवांस होती है, मतलब बहु ज्यादा एडवांस होती है। अब सीन ये होता है कि एक दिन लड़की नहाकर निकलती है तो उसके पास ना बस एक टावल ही होता है, मतलब वो तौलिया होता है जो उसने अपने जिस्म पे लिया होता है। तो अचानक से ना उसका सुसर यानी लड़के का अब्बा उसके सामने आ जाता है और लड़की जो है ना वो तौलिया जिस्म से उतार कर सर पर ले लेती है। रात को जब शोहर कमरे में आता है तो कहता है कि यार ये तुमने क्या घटिया हरकत की है, ये क्या बेहुदा हरकत है, मतलब मेरे अब्बा के सामने तुम किस फुल मतलब के किस हालत में चली गई थी मेरे अब्बा के सामने। तो लड़की आगे से कहती है कि सरताज आपने ही तो कहा था कि नंगे सर नहीं जाना अब्बा के सामने, मतलब कुछ भी हो जाए सर नंगा नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ नंगा हो जाए मसला नहीं है सर नंगा नहीं होना चाहिए। अब असल में ना ये तबका डांस को आर समझते हैं। यार मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता है, मतलब आपको कोई आकर कहे कि बेटा चलो सबके सामने नाचो और ये इस पर प्राउड फील कर रही होती हैं कि चलो जी नचिए, और इसी तरह नच नच कर वायरल हो जाती हैं और फिर कहती हैं हमारी इज्जत करो। बेटे मुजरा तो मुजरा ही होता है, बेशक आप उसे नाचना कहो या डांस करना कहो, अगर आप किसी मूवी में नाचती हो तो समझ आता है। ये क्या हुआ कि चलो बेटा स्टेज पर चढ़ो और सबके सामने नाचो ताकि लोग तुम्हारा डांस देखने के बाद तुम्हें किसी और जगह पे चढ़ाने का सोचें। चलो नाचो शाबाश, आपके अंकल कब से वेट कर रहे हैं कि आपका मुजरा देखें, सॉरी डांस देखें। वो यार माड़ा तुम हमको वीडियो में ही नहीं लेता। ओ खान साहब यार हमारे पठान भाई बुरा फील कर जाते थे, वो समझते हैं कि मैं आपकी इंसल्ट करता हूँ। वो यार माड़ा किसी की इतना औकात है कि कोई हमारा इंसल्ट करे। हाँ ना खान साहब मैं तो आपको हमेशा इज्जत से बात करता हूँ। वो यार पठान भाई यार मेहरबानी करो तुम लोग यार बुरा ना फील किया करो, हमको वीडियो में आने दो यार। चलो खान साहब देखते हैं, अगर नीचे लोगों ने कमेंट किया कि खान साहब को लेके आओ वीडियो में तो हम फिर आपको लेके आएंगे अपनी अगली वीडियोज में। तो आओ यार अपना निदा यासर की मीम्स पर रिव्यू करते हैं। पीएम चला गया मतलब अब सारा दिन एएम ही रहेगा, असेंबली बहाल हो गई मतलब अब बच्चे फिर से सुबह तलावत करेंगे और नेशनल एंथम पढ़ेंगे। ग्लोरिया जीन्स पर सिर्फ जीन्स मिलती हैं या शर्ट्स भी मिलती हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये जो इंस्टाग्राम है ये कितने ग्राम का है? क्या हम डॉलर्स की फोटो कापियां करके कर्जा वापस नहीं कर सकते? हश पपीज हश पपीज पे पपीज भी मिलते हैं क्या? ये डिफेंस डे अभी सिर्फ डिफेंस वालों के लिए है, जोहर गुलशन और बाकी एरियाज के दिन बाद में आएंगे। दोनों स्पीकर गए मतलब अब न्यू हैंड फ्री लेनी पड़े। अच्छा तो बहरिया यूनिवर्सिटी में सब बहरे होते हैं। होल वर्ल्ड टोक्यो मर गई मनी हाइस्ट निदा यासर, क्या पूरा टोक्यो एक साथ मर गया कि एक एक करके मरे? ये न्यूटन का वेट कितने टन होगा? ये लाइम लाइट में लाइट्स भी मिलती हैं। अगर मर्द पर सोना हराम है तो वो इतनी देर तक सोते क्यों रहते हैं? अच्छा तो मतलब दी सिटी स्कूल में सब बच्चे सीटियां मारते हैं। निदा यासर टू बिल गेट्स, आपने सिर्फ विंडो बनाई है या डोर्स भी बनाते हैं?
तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब इस लड़की के भाइयों ने नीचे कमेंट्स बॉक्स में शुरू हो जाना कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की बेटी के बारे में ऐसे बात करते हुए, अबे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो उनको यही कहूंगा कि अल्लाह आपको भी इस जैसी नाचने वाली बेटी दे, आमीन। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि नीदा यासर की मीम्स पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हो जाए नीदा यासर की मीम्स पर एक पूरी वीडियो। तो बाकी जाने, इस वीडियो में मैंने एक नया पंजाबी कैरेक्टर भी ऐड किया, शीदेक और हान साहब की भी अगली वीडियो से वापसी है। यार इस वीडियो के बाद किसी को हेट नहीं जानी चाहिए, खासकर इस लड़की को, ये सिर्फ शुगल मेले के लिए वीडियो बनाई थी, तो चिल करो। ये लड़की बहुत प्यारी है, इसकी आवाज भी बहुत प्यारी है, ये सिर्फ शुगल मेले के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, तो इसको दिल पे नहीं लेना और किसी को हेट नहीं जानी चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक भी कर दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल। आप दिख रहा है ये कंटेंट के नाम पे पब्लिक को यहां पे चुतियापा दिखा रहे हैं, मुंह टेढ़ा करके टांगे दिखा के अपने अंदर की औरत को बाहर निकाल रहे हैं, टैलेंटेड लोगों को नीचे दबा के या पेंडू लोगों से प्रमोशन करा रहे हैं, इंग्लिश की माँ बहन एक करने वाले लोगों को लाइक और व्यूज दिलवा रहे हैं।